दिल्ली के पूर्वोत्तर हिस्से में यानी कि पूर्वोत्तर दिल्ली में 23 से 27 फरवरी के बीच में हिंसा की घटनाएं हुई। आधिकारिक आंकड़ों के हिसाब से 53 लोगों की मौत हुई, इनमें जिन्हें पूर्वोत्तर दिल्ली के दंगों का नाम दिया गया है, और 250 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इसके साथ ही बड़ी संख्या में संपत्ति की क्षति हुई थी, कई लोगों की दुकानें जली थी, घर जले थे। पूर्वोत्तर दिल्ली एक ऐसा इलाका है जो कि भारत की सबसे ज्यादा घनी आबादी वाले इलाकों में से एक है। यहाँ रहने वाले लोगों में से बड़ी संख्या में लोग माइग्रेंट्स हैं, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार से। इसके साथ ही यहाँ पे एक बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी भी है। सेंसस के हिसाब से जहाँ पे 68% के लगभग हिंदू हैं, यहाँ पे 30% के लगभग मुस्लिम आबादी है। और इसके साथ ही बड़ी संख्या में दलित भी रहते हैं इस इलाके में, लगभग 16% आबादी दलितों की है। पूर्वोत्तर दिल्ली के दंगों के बाद दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई, जिसकी रिपोर्ट अब सामने आई है। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि किस तरह से दिल्ली में CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, NRC, NPR के खिलाफ धरने और प्रदर्शन चल रहे थे। फिर दिल्ली के चुनाव आए, चुनाव के बीच में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से कुछ भड़काऊ बयान भी आए। इस रिपोर्ट में नाम भी दिए गए हैं, इसमें गृह मंत्री अमित शाह के बयान का जिक्र किया गया है, गिरिराज सिंह जो कि एक केंद्रीय मंत्री हैं उनके बयान का जिक्र किया गया है, अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी नाम है। साथ ही ये भी लिखा गया है कि कैसे 23 फरवरी को भाजपा के नेता कपिल मिश्रा के एक भाषण के बाद में ये दंगे शुरू हुए थे। हमारे साथ हैं इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के जो चेयरपर्सन थे, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर MR शमशाद, जो कि सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं। इस रिपोर्ट में आप लोगों ने कहा है, कि हालांकि हम इसे रायट्स के नाम से जान रहे हैं, रायट्स के नाम से बुला रहे हैं, लेकिन एक तरह से एक कम्युनिटी के खिलाफ टारगेटेड और प्लान्ड वायलेंस था। किस तरह का आपका अनुभव रहा? आपने ये भी कहा है यहाँ पे कि पुलिस से आप लोगों को ज्यादा मदद नहीं मिल पाई इस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के, जो भी आप इसके बारे में इसमें काम कर रहे थे उसमें, किस तरह का तजुर्बा रहा आपका और क्या चीजें थी जो आपके सामने आई? जी, आपने दो दो बातों का जिक्र किया, एक तो कि ये किस तरह से टारगेटेड वायलेंस था और दूसरा पुलिस ने किस तरह कोऑपरेट नहीं किया। तो मैं पहले एक पुलिस से जो हमारा इंटरेक्शन हुआ उसकी बात कर लूं। जब ये कमिटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी तो 18th मार्च को चेयरमैन जो है माइनॉरिटी कमीशन के, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी कि हमने ये कमिटी कॉन्स्टिट्यूट की है और जो भी इंफॉर्मेशन है, कितनी FIR रजिस्टर हुई, कौन कौन अरेस्ट हुआ, वो सब डिटेल सप्लाई की जाए, सो दैट इस कमिटी को इसमें आसानी हो जाए काम करने में। बहरहाल कुछ और चिट्ठियों का जवाब तो कमीशन को मिला, लेकिन इस चिट्ठी का जवाब नहीं मिला। उसके बाद हमने लॉकडाउन के बाद जब शुरू किया काम, तो हमने एक डिटेल्ड ईमेल लिखा पुलिस को कि हम ये कमिटी का काम कर रहे हैं और ये डिटेल लिस्ट है, उस पर आप मुझे इन्फॉर्मेशन दीजिए और कुछ और बातें हम मिलके हो सकता है करेंगे, तो उसके लिए वक्त दीजिए। बहरहाल उसका कोई जवाब नहीं आया। इसी बीच एक हलफनामा दाखिल किया गया पुलिस के जरिए दिल्ली हाईकोर्ट में, जिसमें ये कहा गया कि ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, इसलिए हम इसको पब्लिक डोमेन में नहीं ला सकते, तो वो अपनी जगह है। तो इस तरह से पुलिस से हमें कोई कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली डिस्पाइट आवर एफर्ट्स। जहां तक टारगेटेड वायलेंस की बात है, देखिए हम लोगों का जो तजुर्बा है, हम लोग वहां गए, एक शिव विहार में एक गली है जिसमें 30 घर हैं और 30 में से सिर्फ 3 घर ऐसा है जो नॉन मुस्लिम का है और 27 घर मुसलमानों के हैं, और वो सारे 27 के 27 अटैक हुए उस पे, उसके घर को जला दिया, पेट्रोल बम डाला गया, लोगों को पिटाई की गई। उसी तरह एक और एक इंस्टेंस मैं बताऊं, जिसमें चार दुकानें हैं एक लेडी की, उसमें 2 किराएदार जो है वो मुसलमान हैं और 2 किराएदार हिंदू हैं, और जो लैंड ओनर है वो एक मुसलमान लेडी है, तो सिर्फ 2 दुकान जो मुसलमानों के पास किराए पर है उसको जलाया जाता है, उसको लूटा जाता है। एक 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 लेन है, दिल्ली दरबार लेन कहलाता है भजनपुरा इलाके में, उसमें 44 दुकानें हैं
और उस 44 दुकानों में से सिर्फ दो दुकानें मुसलमानों की हैं और वो दो दुकानें अटैक होती हैं, एक जो जिसमें वो मुसलमान मालिक है उसकी दुकान को जला दिया जाता है, लूट लिया जाता है, और दूसरा मुसलमान जो किराएदार है तो उसका सामान निकाल कर लूट लिया जाता है। और इस तरह के कई इंस्टेंसेस हैं। एक घर है भागीरथी विहार में जिसमें एक मुस्लिम लेडी ओनर है, वो सेकेंड फ्लोर पर रहती है, उसके जो ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर के किराएदार हैं वो नॉन मुस्लिम्स हैं, उनको छोड़ दिया जाता है। वो ये रॉयटर्स जो हैं वो जाते हैं सेकेंड फ्लोर पर और वहां जाकर लूट करते हैं। तो इस तरह के बहुत सारी मिसालें हैं, और इन सबको देखने के बाद जाहिर है किलिंग दोनों साइड हुई है, कुछ मुस्लिम्स ज्यादा मरे हैं, हिंदूज कम मरे हैं। जहां तक मारने का सवाल है उसमें तो जाहिर है कि दोनों साइड के लोग मरे हैं, लेकिन जहां तक ये घरों को जलाना, एक टारगेटेड अटैक करना, एक घरों से चीजें लूट लेना, या फिर आप ये देखिए कि जितने रिलीजियस प्लेसेस हैं वो सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अटैक हुए हैं, वो जो रिलीजियस प्लेसेस जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में थे, हमने 7 का जिक्र किया है इसमें, जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में हैं, जो टेम्पल्स थे हिंदू भाइयों के, वो बिल्कुल इंटैक्ट हैं। और जितने 17-18 जो रिलीजियस, चाहे वो मदरसे हों, चाहे कब्रिस्तान हों, चाहे वो ज्यादातर मस्जिदें हैं, तो वो सब के सब सिर्फ मुसलमानों के हैं और किसी के नहीं है। तो ये सब इंस्टेंसेस हैं, बहुत सारे हैं ऐसे इंस्टेंसेस जिसके बुनियाद पर हम इसको टारगेटेड मान रहे हैं। इसके साथ ही आपके रिपोर्ट में जो बयान आए थे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, उसका भी जिक्र किया गया है। किस तरह का कोरिलेशन आपको दिखा जब आप लोग ग्राउंड पे थे, आपने लोगों से बात की? देखिए, ये एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है, क्योंकि ये सारा कुछ जो है, अगर आप देखें जो चार्जशीट्स बाद में फाइल हुई हैं, वो सारी चार्जशीट्स, चाहे वो ताहिर हुसैन के खिलाफ हो या किसी अंकित शर्मा के मर्डर में, तो उसमें सारा नरेशन एक बिल्टअप किया गया है कि जो सारे फसाद का जड़ जो था वो NTCAA प्रोटेस्टर्स थे। तो अब जब NTCAA प्रोटेस्टर्स की हम बात करते हैं, तो अब देखिए प्रोटेस्ट के बारे में क्या क्या कहा गया। अभी आपने जो सब जिन हजरात का नाम लिया है, मैं उसके अलावा बाकी और बता दे रहा हूं। अगर पार्लियामेंट में कोई, अगर एक रूलिंग पार्टी का एक MP अगर ये बात कहे जाके पार्लियामेंट के स्पीच में, उन्होंने ये कहा कि ये जो शाहीन बाग में हो रहा है वो एक मुगल राज का नमूना है, और एक ये एक फैनेटिक इस्लामिज्म है, और ये एक तरह से जो है मुगल सिस्टम को रिवाइव करने की बात कर रहे हैं, इस तरह की बात अगर पार्लियामेंट में करेंगे आप, तो उससे मैसेज क्या जाएगा? एक गुस्सा आएगा, एक लोगों में रोष भरेगा। दूसरे एक MP साहब हैं दिल्ली में ही, वो क्या कहते हैं, वो उन्होंने टेलीविजन पे इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि भाई अभी जो है आपको मुसलमान लोग आपके बच्चों का रेप करेंगे, और अभी मोदी जी हैं और अमित शाह जी हैं, आपको जो है वो सेव कर सकते हैं, कल आपको नहीं मिलेंगे। यानी ये इस तरह के मामला थे जिससे एक मैसेज दिया गया कि अभी के बाद, शायद बाद में इंस्टीट्यूशन आपको सेव नहीं कर पाएंगे। हमारे यहाँ कोर्ट सिस्टम है, हमारे यहाँ एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, हमारे यहाँ एक पुलिस सिस्टम है। आप ये अगर मैसेज देंगे कि कुछ लोग हैं जो अभी आपको बचा लेंगे और बाद में आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा, तो उससे एक एक, एक लार्जर पिक्चर क्या देना चाहते हैं आप? ये देना चाहते हैं कि भाई ये लोग जो है इनको उखाड़ फेंको? तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी फील करा दी गई हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को भी। और जाहिर है जब वो सब बिल्टअप होता गया, तो वो 23 तारीख तक आते आते कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स आने लगे जिससे वो जो है ट्रिगर कर गया, और ट्रिगर होने के बाद ये सब हुआ। जी, वहीं पे अगर हम इन दंगों की तरफ देखें, गो न्यूज ने वहां से जाकर के काफी रिपोर्टिंग की थी। जो लोगों का कहना था वो यही था कि पुलिस वक्त पर नहीं आई, ऐसा ही इस रिपोर्ट में भी कहा गया है। किस तरह की बातें आपको लोगों ने बताई? देखिए, काफी काफी लोगों का जो कहना है उसमें, वो बिल्कुल ये कहना है कि देखिए, हम तो वहां पुलिस की जिप्सी खड़ी हुई थी, और हम जाके उनको कहते थे कि साहब ऐसा है कि ये यहाँ अटैक कर रहे हैं, प्लीज सेव अस, लेकिन वो वहां से नहीं निकले गाड़ियों से। कई जगह ये कहा गया कि साहब वो वीडियो उसके भी सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हुए, कई कई न्यूज़ चैनल्स ने उसको दिखाया
कि साहब पुलिस ने कैमरा तोड़ दिया, पुलिस ने कुछ लोगों के साथ स्टोन पेल्टिंग की, तो ये सारी चीजें हमें भी बताई गई और हमने उसको इसमें रिकॉर्ड किया है। अगर कुछ लोग तो ऐसे हैं, उन्होंने ये कहा कि हमने कम से कम 100-100 फोन किए पुलिस को, उन्होंने कहा कि साहब हम आ रहे हैं, लेकिन वो कभी नहीं आए, किसी ने फोन नहीं उठाया। कुछ लोग वहां मौजूद थे और वहीं पास में वो रॉयटिंग हो रही थी, पत्थर फेंके जा रहे थे, पेट्रोल बॉम्ब फेंके जा रहे थे, लेकिन पुलिस की गाड़ी वहां से नहीं मूव की। तो ये सारे हालात थे जो उन्होंने मुझे हम लोगों को बताया और वो इस रिपोर्ट में हमने उसको लिखा है। तो आपने यहाँ पे साथ ही में ये भी लिखा है कि नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ FIRs, डिलेड एक्शन भी सामने आ रहा है, लोगों की कंप्लेन नहीं दर्ज की जा रही थी। उसके साथ ही हम ये भी देख रहे हैं कि एक बड़ी संख्या में जो एंटी CAA प्रोटेस्ट चल रहे थे पूर्वोत्तर दिल्ली में, कई जगहों पे चल रहे थे, जो एक्टिविस्ट उनमें इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ भी FIR दर्ज किए गए हैं। वहीं पे मुस्तफाबाद में अल हिंद हॉस्पिटल है, वहां के डॉक्टर MA अनवर हैं, उनको भी एक FIR में उनका भी नाम आया है। किस तरह से देखते हैं आप इन चीजों को? देखिए, ये एक उसके बारे में हमने डिटेल रिपोर्ट में लिखा है। देखिए, जब जब कोई क्राइम हो रहा है, एक क्राइम अगर वहाँ मौजपुर में या फिर जाफराबाद में हो रहा है और दैट लीड्स टू अ मर्डर और उसका इन्वेस्टिगेशन होता है, आई एम टॉकिंग अबाउट अंकित शर्मा'स डेथ, साथ साथ वहीं पर एक मोहन नर्सिंग होम है जहां से गोलियां चलती हैं और उसके बारे में FIR लॉन्च करने की कोशिश की जाती है, जो कंप्लेनेंट है उस FIR का, उसने उसमें कई नाम लिखे हैं, उस FIR उस कंप्लेंट पे FIR रजिस्टर हुई कि नहीं हुई, उसके कंप्लेनेंट को आज तक पता नहीं है। तरीका यह होता है कि जब किसी ने इस तरह के ऑफेंस के बारे में पुलिस को रिपोर्ट की तो उसी वक्त FIR रजिस्टर होना चाहिए। अगर FIR रजिस्टर भी हो गया है तो एक सेट ऑफ इन्वेस्टिगेशन को कर उसकी चार्जशीट बनती है और दूसरे सेट ऑफ इन्वेस्टिगेशंस के बारे में या तो FIR रजिस्टर भी कर ली गई है तो उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है, और अगर इन्वेस्टिगेशन हुआ है तो उसको पेंडिंग रखा गया है, ये कुछ पता नहीं है, पब्लिक डोमेन में नहीं है इसलिए कि हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। या तो ये होता कि सारी इन्वेस्टिगेशन करके एक साथ चार्जशीट डाली जाए, अगर नहीं तो ये कोई अच्छी बात नहीं है कि एक सेट ऑफ इन्वेस्टिगेशन को करके आप पब्लिक में एक एक परसेप्शन बना दीजिए और उसके बाद ये स्टैंड लें कि नहीं बाकी इन्वेस्टिगेशन भी होगा, लेकिन उससे एक एक पूरे प्रोसेस पे एक डाउट क्रिएट होता है जो यहाँ हुआ है और जो हमने इस रिपोर्ट में लिखा है। जी, जैसा आप कह रहे हैं पूरे प्रोसेस पे एक डाउट क्रिएट हुआ है, इसके आगे आपकी कमेटी की आपकी क्या रिकमेंडेशंस होगी या क्या लगता है आपको किस तरह के कदम उठाए जाने की जरूरत है? देखिए, ये बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं जिसमें एक्यूज्ड नेम्ड हैं, उन्होंने कहा है कि फला ने मस्जिद में घुसकर इमामों को और मुअज्जिनों को पीटा, लोगों को पर अटेम्प्ट टू मर्डर किया, प्रॉपर्टी डैमेज की, उन लोगों को या तो FIR लॉज नहीं हुई और अगर लॉज हो भी गई तो अभी उनको पता नहीं है क्योंकि अभी कोई अरेस्ट नहीं हुआ उसमें। इस तरह की बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं, कुछ कंप्लेंट्स हैं जिसमें नेम्ड एक्यूज्ड हैं जिनको इररिलेवेंट FIRs के साथ क्लब कर दिया गया है लेकिन वहां भी अरेस्टिंग नहीं हुई है। एक ऐसा इंस्टेंस है जहां पर FIR जो नेम्ड FIR है उसको किसी अननेम्ड FIR के साथ क्लब कर दिया गया है और जो आदमी किसी का नाम ले रहा है उसको बिना नाम वाली FIR में अरेस्ट कर लिया गया और उसको 40 दिन बाद बेल मिली है। कि ये सारी जो कंप्लेंट्स हैं उन सारी कंप्लेंट्स को पहले तो इंश्योर किया जाए कि इसका FIR हुआ कि नहीं हुआ, और FIR अगर नहीं हुआ है तो FIR रजिस्टर किया जाए, हो गया है तो उसका इन्वेस्टिगेशन जल्दी से जल्दी होना चाहिए। अब एक प्राइवेट बॉडी तो ये नहीं कर सकती, ये तो या तो पुलिस को करना पड़ेगा या फिर एक SIT को करना पड़ेगा, तो इसलिए हमने इसमें रिकमेंड किया है कि 5 मेंबर की एक कमिटी होनी चाहिए जिसमें एक हाईकोर्ट के जज हो, एक सिविल सोसाइटी का मेंबर हो, एक पुलिस पर्सनल हो, एक लॉयर हो, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज भी हो, ताकि
सारी जो फॉर्मेलिटी है जो जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की होती है, अगर किसी किसी एक्यूज्ड का या किसी विक्टिम का बयान रिकॉर्ड करना है तो वो उसको वहां पर एक जज साहब अगर उस कमिटी में होंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, तो वहां वो सारी चीजें एक साथ हो पाए। तो एक कमिटी बने जो कमिटी ये सारे इश्यूज को देखे कि कहाँ लैप्सेस हुए हैं, किसकी वजह से लैप्सेस हुआ है, और लैप्स अगर हुआ है उससे जो नुकसान हुआ है उसका रेमेडियल एक्शन क्या हो सकता है। तो ये तो हमने पुलिस से रिलेटेड इश्यूज पे कहा है। बाकी हमने कॉम्पेंसेशन के आस्पेक्ट पे कहा है कि वहां पे बहुत सारी डिस्पैरिटी है। एक सिविलियन का अगर डेथ हुआ है तो उसको सिर्फ 10 लाख रुपए देकर उसको कह दिया गया कि हो गया। जहां पर एक पब्लिक ऑफिसर का डेथ हुआ है तो वहां उनको 1 करोड़ रुपया दिया गया। तो ये डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है, तो इसको कम किया जाए। लेकिन जो बहुत बड़े स्केल पर जो घर को नुकसान पहुंचाया गया है, लूट हुआ है, वो सब गरीब लोग थे। उन लोगों को बहुत सारा सारे लोगों को मुआवजे नहीं मिले हैं, और अगर उनको बहुत लंबे वक्त तक मुआवजा नहीं मिलेगा तो फिर उस मुआवजा का कोई फायदा नहीं होगा। बहुत सारे लोगों की इंक्वायरी ही नहीं हुई है कि उसको डिटरमिन किया जाए कि उसका 50,000 का लॉस है या 5 लाख का लॉस है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उसके भी स्टेटमेंट्स हमने रिकॉर्ड किए हैं। तो ये दो बहुत बड़े इश्यूज हैं जिसको बहुत जल्दी से जल्दी इसको एड्रेस करने की जरूरत है। ठीक, खासकर अभी जबकि लॉकडाउन में ज्यादातर लोगों की रोजी रोटी चली गई है, लोगों के पास आय का साधन नहीं है, ऐसे में ये रिलीफ वर्क जल्दी से जल्दी करना और जरूरी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल जरूरी हो जाता है। और दूसरी बात एक और है, बिल्कुल आपने सही कहा, दूसरी और बात है कि कुछ वैसे इलाके जहां पर मुस्लिम्स कम संख्या में थे, कम नंबर्स में थे, उन पर जो अटैक हुआ तो काफी तो उस इलाके में वापस चले गए। लेकिन काफी लोग ऐसे हैं जो किराए के मकान पे कहीं और रहते हैं, उनका सब कुछ खत्म, उनकी गाड़ियां जल गई, उनके गोडाउन अगर थे बेसमेंट में, अगर कुछ उसने शॉप लगा रखी थी या उसको मटेरियल रखा हुआ था, वो सब जल गया, घर बर्बाद हो गया। अब उसका कोई बिजनेस नहीं है, अभी उसके पास कहीं जाने को नहीं है, और जहां रह रहा है वहां उसको किराया मांगा जा रहा है। तो इस सिचुएशन में एक बहुत कम लोग हैं जिनको इंटरिम कॉम्पेंसेशन दिया गया है, और वो बहुत कम है और वो बहुत खत्म हो चुका है। लेकिन बहुत बड़ी संख्या में दो कैटेगरी के वैसे लोग हैं जिनको इंटरिम कॉम्पेंसेशन भी नहीं मिला है, और तीसरे लोग हैं जिनका अभी वेरिफिकेशन ही नहीं हुआ है कि उनका लॉस कितना हुआ है, तो इंटरिम कॉम्पेंसेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको बहुत जल्दी से जल्दी एड्रेस करने की जरूरत है, ऐसा मैं समझता हूँ। गो न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।